हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज राइट अ नोट ऑन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पर हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है। वेरियस पॉलिटिकल एसोसिएशंस ऑफ जर्मनी, जर्मनी की बहुत सारी जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस थी, वेरियस कह रहा है, तो जो बहुत सारी पॉलिटिकल एसोसिएशंस थी कंप्राइजिंग ऑफ मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स थे इसमें, बिजनेसमैन थे इसमें एंड प्रॉस्पेरस आर्टिसियंस, ये सारे लोग इकट्ठा होते हैं गैदर्ड इन फ्रैंकफर्ट, ये एक जगह है जर्मनी में, एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। और यहाँ पे फ्रैंकफर्ट में इकट्ठा होने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि दे आर गोइंग टू वोट फॉर जर्मन नेशनल असेंबली के लिए। इट वॉज कन्वेंड ऑन 18 May 1848 इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। ये कहाँ आयोजित किया गया था? ऑन 18 May 1848 को एक चर्च में जिसका नाम है सेंट पॉल। ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मनी, जर्मनी के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, टू बी हेडेड बाय मोनार्की, जिसमें जो राजा तो रहेगा बट सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट, राजा तो रहेगा बट राजा को पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना होगा। फ्रेडरिक विलियम फोर किंग ऑफ प्रशिया, तब जर्मनी भी कई सारे स्टेट्स में डिवाइड थी, तो जो प्रशिया का राजा था फ्रेडरिक विलियम फोर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द प्रपोजल, इस प्रपोजल को कि राजा तो होगा बट उसको पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना होगा, इस प्रपोजल को वो रिफ्यूज कर देते हैं। बींग डोमिनेटेड बाई द मिडिल क्लास, चूंकि ये जो पोलिटिकल एसोसिएशन थी इसमें मोस्टली मिडिल क्लास था, The National Assembly also lost its mass support base of peasants. Peasants का support ये लोग यहाँ पर खो देते हैं क्योंकि peasants देखते हैं कि इसमें उनकी बात नहीं करी गई थी। Ultimately, finally क्या होता है? The troops were called, army बुलाई जाती है and the assembly was forced to disband. Army बुलाकर इस National Assembly को कश कर दिया जाता है और finally assembly जो है फिर वो खत्म हो जाती है। So I hope you understood the question as well as the answer. Best of luck.